जल, नदी, सागर, पेड़, पौधे, वायु, इन सभी को हमारे सनातन धर्म ने देव तत्व माना है। हर पूजा इन सभी के बिना अधूरी है। इस धरा की रक्षा करना हम सब धरती माँ के पुत्रों की जिम्मेदारी है। आज हमारी प्रकृति संकट में है, कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन सभी संघर्ष से हम सभी को अपनी प्रकृति को बचाना है। इसके लिए हमको प्रकृति के लिए निस्वार्थ जीना होगा, निरंतर जागरण करना होगा। प्रकृति का संरक्षण ही देवतत्व की अभिव्यक्ति है। उक्त विचार परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज श्री उत्तम स्वामी जी ने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रकृति से मित्रता कार्यक्रम में कही। इंदौर के गुजराती कॉलेज में प्रकृति से मित्रता पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज आश्रम बांसवाड़ा द्वारा एक सुंदर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर उद्योगपति रवि वाधवानी, राजेश भट्ट मुंबई आदि उपस्थित रहे। गुजराती कॉलेज में स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान स्वामी जी ने सभी के आत्मदायी मुलाकात करते हुए फिर से पुनः मिलने का वचन दिया। हमारे नवाती जी ने बड़ी अच्छी बातें करी, लेकिन पेड़, पहाड़, पुत्र, पानी, आकाश, जल, अग्नि, मुझे लगता है कि इन सभियों को स्वर्ण खादन के फलाने उक्षम, इनका किसी प्रकार का दोष नहीं है, इनमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन इनका प्रदूषण अगर ठीक करना है तो मुझे लगता है काली रबड़ी का प्रदूषण ठीक करना चाहिए, विश्व का प्रदूषण ठीक हो जाएगा।